नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। ग्वालियर की किलागेट थाना पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया है, जो लोगों के बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर पैसे गायब कर देता था। गोपाल शुक्ला नाम के शातिर ठग ने फरियादी हरि सिंह के बैंक खाते से 38 लाख रुपए निकाल लिए थे। अगर कोई अनजान नंबर से आपको फोन कर बैंक खाते या ATM की जानकारी मांगता है तो सावधान हो जाइए, कहीं वो शातिर ठग ना हो जो आपका बैंक अकाउंट खाली कर दे। इस बात का खुलासा किलागेट थाना पुलिस के एक शातिर ठग को गिरफ्तार करने के बाद हो गया है। गोपाल शुक्ला नाम के इस शातिर ठग ने हरि सिंह को विश्वास में लेकर उसके खाते से 38 लाख रुपए निकाल लिए थे। पुलिस ने हरि सिंह की शिकायत पर मामला दर्ज कर गोपाल शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया, जिसने कई लोगों को ठगने की बात कबूल की है। धारा 420 का प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। इसके द्वारा मृतक हरि सिंह पटेल के खाते से इसने धोखाधड़ी दे करके बहला फुसला करके इसने उनके खाते से 38 लाख रुपए करीब निकाल लिए है। अब ये मैंने उसको गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है और उससे कागज जब्त किए जाएंगे। इसी तरह के प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री कराना और मोटरबाजी करना, इस तरह का धोखाधड़ी वाला ये ज्यादातर इसके काम है। फोन पर बैंक अकाउंट और ATM की जानकारी हासिल कर ठगी के कई मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि पुलिस और बैंक अधिकारी उपभोक्ताओं को ठगी का शिकार होने से बचने के लिए जागरूक होने के लिए कह रहे हैं। ग्वालियर से भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट, न्यूज आज। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज आज।